नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। संसद के मानसून सत्र में हमारे लोकप्रिय सांसद गुमान सिंह डामोर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री माननीय नितिन गडकरी से भेंट कर पत्र के माध्यम से अनुरोध किया कि रतलाम झाबुआ अलीराजपुर जिले को भारत माला परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए, साथ ही DPR बनाने हेतु निम्न प्राथमिकता पर रखा जाए। साथ ही रतलाम से एयरप्लेन एक्सप्रेस वे निकल रहा है और यहां पर लॉजिस्टिक हम एवं औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा। 8 लेन हाईवे का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, 2022 तक इसकी पूर्ण होने की संभावना है। अतः संसद जी ने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया है कि इस 200 किलोमीटर लंबे 4 लेन को उच्च प्राथमिकता के आधार पर DPR बनवाने का अनुरोध किया जाए। वहीं जिला भाजपा मीडिया प्रभारी योगेंद्र नाहर ने बताया कि माननीय मंत्री जी ने सांसद जी को इस पर सहमति जताई। सांसद डामोर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर प्रतिबद्ध है, साथ ही क्षेत्र की समस्याओं के निदान के लिए केंद्र शासन एवं राज्य शासन से पूर्वजोर प्रयास कर अपने क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा में जोड़ने का कार्य कर रही है, जिसे क्षेत्र की जनता में हर्ष व्याप्त है। झाबुआ से जियाउलक कादरी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।